बहुत ही अच्छा गीत आप लोगों ने सुना है। हम बच्चों की तरफ से केवल प्रयास रहा। आइए गीत पढ़ रही हूँ अपनी ओर से। संजय भैया जी, ये गीत बिल्कुल आपके YouTube के माध्यम से लाया जा रहा है और ये गीत हमारे पूजनीय पिताजी स्वर्गीय श्री मैया दीन तिवारी जी का लिखा हुआ गीत है। केवल कोशिश कर रही हूँ अपने ओर से, उतना अच्छा नहीं बन सकता हम बच्चों से, लेकिन बस यही भोलेनाथ की कृपा है और पिताजी का आशीर्वाद है। आइए सुनिए। सुने कि एक तो तेरा रंग सजीला उस पे काले दसों दिशाएं गूंज रही है।
भोले बम बम भोले भोले बम बम भोले। मैं पुरस्कार सबके बाद में बोल दूंगी, आइए गीत को सुनेगा। कहने लगी आज जो बारात देखी माता की, माता पार्वती की जो बारात आई है, तो देखिए उसमें हुआ क्या। क्या बेटे? पैदल पलटन फौज रसाले। क्या बात बेटे? और सभी भाइयों से निवेदन है कि केवल एक गीत सुनकर जाएं, आप लोग बैठ जाएं। आइए सुनिए कि पैदल पलटन फौज रसाले संग में एली भेंट आए और समझ के जाइए पूरा पैल पर दूल्हा प्राजे पीछे पार लिया पैंट आए। क्या बात क्या बात? दूल्हा पैल पर दूल्हा सुंदर लग रही है तो कहना पड़ा। क्या बेटे? दादा हमारे बड़े मन से सुन रहे हैं गीत को, आइए सुनिए। क्या बात बेटे? ब्यूटीफुल हिमाचल नगरी। Everybody.
बड़ी विलक्षण बात निकल कर आ रही है। देखा क्या? गाए मंगल गीत नारियां, भोलेनाथ का गठबंधन हो रहा है कि पावन परिणय की बेला में कोई नहीं अपसे दिखाए, कोई नहीं अपसे दिखाए, कोई नहीं अपसे दिखाए। तो कहना क्या है आजाद प्रकाश अनोखा, क्या बात क्या बात है आजाद प्रकाश जिसका नहीं दी है तेरे बोरा आए हैं, बोरा आए हैं तेरे हस में, बोरा आए हैं तेरे हस में, बोरा आए हैं तेरे हस में। दसों दिशाएं गूंज रही है, बाज रहे हैं बैंड रे, बोरा आए हैं तेरे हस में, माध्यम से 101 पद मुद्राएं भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। और इसी श्रृंखला में हमारे माननीय सम्मानीय बड़े भैया भैया श्री और हमारे माननीय बड़े भैया भैया श्री तिवारी नेताजी खेवराजपुर आपके माध्यम से 151 पत्र मुद्राएं भेंट। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। इसी श्रृंखला में हमारे माननीय सम्मानीय बड़े भैया भैया श्री दीपू वस्त्रालय पटखन पुरवा आपके माध्यम से 101 पत्र मुद्राएं भेंट। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। और ये बहुमूल स्नेह से हमारा आशीर्वाद हमारे मानी सम्मानी बड़े भैया भैया श्री राकेश वर्मा जी ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच सभी भाइयों की ओर से ये 501 पत्र मुद्राओं का बहुमूल्य स्नेह भेंट हुआ है। यहाँ से समय बंदिश है, 35 मिनट का समय दिया जा रहा है। स्वागत, बरसों बाद हम लोग मिले थे। हेलो, हमारे बीच में लखनऊ से महानगर से चलकर आए परम सम्मानीय श्री राकेश वर्मा जी, जो बहुत अच्छे ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच तो है ही, साथ में छोटे से लेकर बड़े कलाकारों तक सभी प्रतिभाओं को आप मौका देते हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों स्वागत करें। आदरणीय श्री संतोष गुप्ता जी, आदरणीय श्री सैनी जी, चूंकि हमारे कई सैनी है, अजीत सैनी है, देशराज सैनी है, और आदरणीय मिश्रा जी, जितने भी हमारे लखनऊ से चलकर आए हैं, छोटे सभी लोगों का स्वागत है। आया है गौरा, आए हैं तेरे हस्बैंड, हस्बैंड जब आता है यानी जस दूल्हा दशरथी बराता, शिव जी की बारात नहीं आई थी, मानस में लिखा गया है जस दूल्हा दशरथी बराता,
एक होता है ब्याह और एक होता है बिया विवाह। बताओ विवाह अच्छा होता है कि ब्याह, जिसमें आह आ ही निकले उसे ब्याह कहते हैं। 10 लाख आह मतलब जहां आह निकले उसे ब्याह कहते हैं, और जिसमें विशेष प्रकार का वाह वाह निकले, जैसा अभी नीलम विश्वकर्मा जी ने बहुत अच्छा गीत गाया, तो मैं चाहूंगा एक ताली हो जाए, जो चाहे हमारा सचदेवा जी अच्छा गीत प्रस्तुत करे या नीलम करे, जो भी कलाकार अच्छा गीत प्रस्तुत करे। तो कहना है कि बने जब हम जागेश्वर बाबा के पेशेंट, लगाया बाबा ने हमें ज्ञान का इंजेक्शन, दूर हो गए हमारे सभी इन्फेक्शन, अब हमें नहीं किसी बात की टेंशन, अब हमने भरी है डिटर्मिनेशन, और अब जाग जाएगी गजपतपुर बेलिया की सभी यंग जनरेशन। तो जाग जाएगी क्योंकि बाबा जागेश्वर का आशीर्वाद है। कैकेयी और मंथरा ने एक ही भूल की थी, अभी राम भद्राचार्य जी की कथा गौरीगंज में चल रही थी, तो उनके शब्द मैंने सुना कि कैकेयी और मंथरा ने एक ही भूल की थी, कैकेयी राम को बेटा मानती थी पर भगवान नहीं, और भरत को संतान मानती थी लेकिन संत नहीं। अगर यही एक भूल दोनों की थी, तो आइए अब आह्वान करें सचदेवा जी को और हमारे परम सम्मानीय उत्तम उमंग जी को मंच पर आह्वान करेंगे, मान करते हुए उत्तम उमंग जोरदार तालियों स्वागत करें, जोरदार तालियों स्वागत करें। और इसी क्रम में ये आपके गुरु भाई है, क्या बात है, उमंग आजाद, उमंग आजाद जी का सम्मान करेंगे। संजय भैया जी भी हैं, तो मैं क्रम से जाऊंगा, राजीव और हमारे संतोष गुप्ता जी, ये राजीव शुक्ला जी हैं हमारे बहुत अच्छे, और इसी क्रम में हमारे एस के सैनी जी हैं, गुड्डू ज्ञान जी, युवराज कमल, युवराज कमल क्या बात है, आपका भी सम्मान। हमारे राकेश वर्मा जी, अरे आप लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, जोरदार तालियों स्वागत करें। और इसी क्रम में हमारे राजू मिश्रा जी हैं, ये इसी क्रम में युवराज कमल जी और संजय भैया हैं, युवराज कमल हाँ, ये युवराज कमल जी के लिए। एक बार ग्रुपिंग हो जाए भैया, केएस म्यूजिक की क्या प्रस्तुति है, सब लोग एक बार आइए। बीरपाल जी भैया, बीरपाल भैया है हमारे, बीरपाल सिंह आए आगे आ जाए। हेलो हेलो बढ़ाइए इसको, हेलो 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 और थोड़ा बढ़ाइए, हेलो हेलो थोड़ा दूरी बना दीजिए इसकी, हेलो तरफ जाते हैं। शिव जी भले ही बैल पर सवार थे लेकिन बैल धर्म का प्रतीक था, शिव जी के बारात में कोई बाजा नहीं था, लोग वही दांते खटखट ही वही दतोए बजाते हुए जा रहे थे, और शिव जी हेलो, और इस राउंड से कटपीस भी का दौर, यानी भोजन के साथ चटनी सलाद अचार अकौड़ी पकौड़ी फुलौड़ी बड़ा पना सब मिलेगा, जरा जोरदार तालियों स्वागत करें। आइए आह्वान करते हैं सचदेवा जी को, चूंकि बारात में विभिन्न आइटम मिलते हैं, तो देखते हैं सचदेवा कौन सा आइटम लेके आ रहे हैं। गौरा आए हैं तेरे हस्बैंड, जब हस्बैंड आ गए हो तो बारातियों का स्वागत ही होना चाहिए। Thank you.
स्वागत कर रहा हूँ ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच से आए हुए हमारे पदाधिकारीगण दादा श्री संजीव मिश्रा जी, दादाजी के नाम है शायद राजीव मिश्रा जी, और हमारे दादा श्री संतोष गुप्ता जी, बड़े भैया हमारे श्री राकेश वर्मा जी, और कीर्तन के जौहरी हमारे एसके सैनी जी, और भैया का क्या नाम है, हाँ संजय भैया जी, ये थोड़ा कम आते जाते हैं, अब पहचान जाएंगे। अब लगा ये हमारे जैसे हमारे देवेंद्र भैया, जैसे हमारे ये पांचों विभूतियां हैं, ये कीर्तन को लेकर हमेशा तत्पर रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो, कीर्तन का उत्थान हो। बस ये लोग चाहते हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहूंगा, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दे, बहुत दूर से आए हैं। नीलम बहन बड़ी बहन ने चालाकी कर दी, कर दी तो गौरा आए हैं तेरे है सुबैंड, सुना है और प्रयास कर रहा हूं दादाजी अगर बन जाए। प्यार मेरा ना चोरी करे ले, प्यार मेरा ना अरे चोरी कर ले, ये पश्चिम के चोर रे चले भाग चले पूरब की ओर, प्यार मेरा दी। ये भी कीर्तनकार हैं और क्या, पर ये है हमारे लखनऊ का अंदाज। हाँ, एक बार जोरदार ताली हमारे संतोष दादा के लिए। और क्या, एकदम खरे खरे हैं। हमारे दादा परम सदस्य श्री संतोष गुप्ता जी, दादाजी तरफ से अनगिनत पुरस्कार आए हैं, ये हमारे ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच की तरफ से प्यार आया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साजवाद। इस धुन को कसम से कह रहा हूं मैंने सुनी नहीं है, पर गा रहा हूं बन जाए तो आशीर्वाद चाहिए। ये हुई हिम्मत वाली बात। प्यार तेरा ना चोरी करे ले, प्यार मेरा ना अरे चोरी कर ले, ये पश्चिम के चोर रे चलो भाग चले पूरब की ओर, चलो भाग चले पूरब की ओर रे तो मैया। एक इसमें और धुन मिल रही है, बस यही से काम हो गया और क्या, हम लोग लगा देते हैं। आइए जवाब सुनेगा, बड़ी बहन ने कहा हस्बैंड रे, शादी हमारे सूर्य प्रकाश द्विवेदी जी ने कर दी। अब शादी होने के बाद एक योजना संजय भैया चलती है क्या, कि हम दो हमारे दो। अब वो योजना चली, ये बात योजना चली, कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ, जब जन्म हुआ
जैसे कहा कि गौरा आए तेरे हस्बैंड रे, अगर लाइन ऐसी खुल जाए बहन जी तो आशीर्वाद चाहूंगा। राकेश भैया कार्तिके को कृतिकाओं ने पाला और जब सारी फैमिली उनको लेने आई तो उदास मन से सारी कृतिकाएं कह रही हैं क्या कि ऐ कार्तिके हिल मिल सारे हिम से आए सुपुत्र। अगर आप मेरी बहन है तो वो भी मेरे पिताश्री हुए, तो उनका सुपुत्र कभी उनको जवाब नहीं देगा। ना ना। अगर बेटा बाप को जवाब दे दे तो उसके संस्कार नहीं है। ना ना। मैं जवाब नहीं दूंगा, सिर्फ लाइन जोड़ रहा हूँ, क्योंकि पिताजी आपके गीतों का जवाब हम बच्चों की औकात नहीं कि हम जवाब दें। सुनेगा फिर भी जवाब के तौर पर कुछ लाइनें जोड़ रहा हूँ। सुने कृतिकाओं ने कहा कि ए बेटा अरे हिल मिल आए हिम से सारे हिल मिल आए हिम से सारे। शंकर जी पार्वती माँ सब लोग आए कार्तिके को लेने, जब लेने आए अरे हिल मिल आए हिम से सारे परिवार वाले आए तुझको पेरेंट्स, क्योंकि माता पिता तेरे पेरेंट्स आए लेने। कैसे अंकेश भैया आपके पास भी गड्डी okay. सुनिए मिल मिल आए हिम से सारे लेकर जैसे रेंट रे बेटा हो गई। अरे इतनी भीड़ जैसे आज जवाबी सुनने के लिए, अरे इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई के छोटे पड़ गए टेंट रे बेटा आए तेरे पे बहन जी।
कुछ सिंगार कुछ व्यवस्था होगी सजने सजाने की, जैसे इंग्लिश शब्द आपने लगाए वही इंग्लिश शब्द लगा रहा हूँ। आखिरी बात सुनेगा, पिता जगत के कार्तिकाएं कह रही है कि कार्तिक तेरे पिता पिता जगत के है ऑपरेटर, पिता जगत के ऑपरेटर हैं। ये बात हिम परिचिन का है हेडक्वार्टर, उनका हेडक्वार्टर है हिम पर, समझते रहिए भैया। बाल पे चिन के गंगा वाटर, और अरे तीजे नयन से सोले भड़के, जिनके अरे तीजे नयन से सोले भड़के, के मारे जैसे करे तेरे बेटा आए तेरे पैर, आए तेरे पैर, आए तेरे पैर, आए तेरे पैर, के धरती पर जब पड़ गया तारक का अत्याचार, तो लेने आए कार्तिक को वो जग के जवाब है। और क्या, और हालांकि तर्ज मिस्टेक हो सकती है हमसे,